नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर, ऑसम इज रिव्यू में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम रिव्यू करने वाले इंटेल के इस साल के लेटेस्ट और फ्लैगशिप प्रोसेसर को कोर अल्ट्रा 9285K। इसे दोस्तों मैंने टेस्ट किया है गीगाबाइट के लेटेस्ट Z890 Aorus Elite X आइस मदरबोर्ड पर। इसे डिटेल में मैंने टेस्ट किया है, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंसेस, काफी डिटेल्ड गेमिंग भी की है, तो आपको इस वीडियो में सभी कुछ ये डिटेल में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो दोस्तों, अभी आपको ब्रीफली बता देता हूँ इंटेल के इस लेटेस्ट प्रोसेसर में आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये है दोस्तों इंटेल का लेटेस्ट फ्लैगशिप कोर अल्ट्रा 9285K प्रोसेसर। हाल ही में जो लॉन्च हुआ है, कोर अल्ट्रा सीरीज के 5 नए प्रोसेसर्स इंटेल ने लॉन्च किए हैं। एक 9 सीरीज का है जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं, 2 7 सीरीज एंड 2 5 सीरीज का है, जिसमें से एक ऑलरेडी हमने रिव्यू कर दिया है। सो ये जो प्रोसेसर है गाइस, इसमें आपको 24 कोर्स और 24 थ्रेड्स मिलते हैं। सो 8P कोर्स है, 16E कोर्स है। जो इसका आर्किटेक्चर है वो भी अभी रिवाइज हो चुका है, सैंडविच आर्किटेक्चर है, जिसकी मदद से स्पेस रिड्यूस होता है, थर्मल ऑप्टिमाइजेशन काफी बढ़िया होता है। इसका मीनिंग दोस्तों, आपका जो पावर कंजम्पशन होने वाला है वो काफी कम होगा, इफिशियंसी आपको ज्यादा मिलने वाली है। अल्टीमेटली गाइस, थर्मल सॉल्यूशन पे जो पावर कंजम्पशन और आप पैसे खर्च करने वाले वो भी काफी कम होने वाला है, और इसी की मदद से दोस्तों आप हायर लेवल्स ऑफ ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो। अभी बात करें दोस्तों नई चीजें इसमें क्या आपको मिलती है। ये जो है दोस्तों NPU बेस्ड प्रोसेसर से AI रेडी आते हैं, तो इसमें आपको NPU मिलता है डेडिकेटेड, अप टू 13 टॉप्स की ऑपरेशनल स्पीड इसमें आपको मिलती है। क्लॉकिंग स्पीड जो है दोस्तों मैक्स आउट होते हैं एट 5.7 GHz। एंड फाइनली गाइस, इसका जो सॉकेट है वो भी अपडेट हो चुका है टू 1851। तो इसके लिए जो मदरबोर्ड लगने वाले हैं ये भी नए हैं। तो आज यूज करने वाला दोस्तों गीगाबाइट का लेटेस्ट Z890 Aorus Elite X आइस मदरबोर्ड, जो कि कंप्लीट वाइट है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो सॉकेट मिलता है, इट इज 1851 सॉकेट। लेटेस्ट इंटेल प्रोसेसर इसमें आप रन कर सकते हो। स्पीकिंग ऑफ यू, स्टैंड आउट फीचर्स जो आपको इस मदरबोर्ड में मिलते हैं, सबसे पहले कनेक्टिविटी में आपको वाईफाई 7 मिलता है, जेन 5 का M.2 पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप काफी ज्यादा हाई स्पीड्स अचीव कर सकते हो। तो इस बिल्ड में दोस्तों गीगाबाइट का ये Aorus जेन 5 12000 SSD यूज कर रहा हो, जो एक्चुअल में आपको 12000 Mbps या 12 Gbps के स्पीड्स देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 जेन 4 M.2 के पोर्ट्स मिलते हैं, थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट आपको इसमें मिल जाते हैं, फुल लेंथ PCIe सॉकेट मिलता है, इजी लैच और इजी लैच प्लस के आपको तो ऑप्शन मिलते थे, प्लस गैस PCIe इजी लैच प्लस भी आपको इसमें मिलता है। सो ग्राफिक कार्ड के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है प्रो। एंड फाइनली जो रैम सपोर्टेड इसमें मिलता है, दैट इज DDR5 अप टू 9500 MHz। तो गाइस काफी बढ़िया स्पीड्स इसमें से आप अचीव कर सकते हैं। इस बिल्ड में जो GPU यूज कर रहा हूं मैं गाइस, ये है गीगाबाइट का एरो RTX 4070 Ti सुपर। सो ये थे दोस्तों कुछ की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और इनके फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं जो हमने बिल्ड में यूज किए हैं। अभी प्रोसीड करेंगे विद द रियल लाइफ टेस्टिंग। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद द बेंचमार्क्स। तो सबसे पहला बेंचमार्क जो मैंने किया है, दिस इज द क्रॉस मार्क। ये दोस्तों क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता है CPU का, और फाइनल रिजल्ट दोस्तों आप देख सकते हो ओवर 2400 आया है। इंडिविजुअल भी रिजल्ट्स आप देख सकते हो काफी तगड़े आए हैं फॉर द CPU, और जेन टू जेन कंपेरिजन में भी दोस्तों ये आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स दिखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने किया है Cinebench टेस्ट। तो सबसे पहला है R23, इसमें सिंगल कोर स्कोर आप देख सकते हो ओवर 2300 आया है, और मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर 41,000 प्लस आया है। जेन टू जेन कंपेयर करें प्रीवियस ईयर के i9 4900K को, तो यहाँ पर भी गाइस आपको इंप्रूवमेंट्स दिखने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैंने किया है Cinebench का 2024 टेस्ट, और इसमें भी दोस्तों जो रिजल्ट्स आए हैं, सिंगल कोर 139 और मल्टी कोर ओवर 2300, तो यहाँ पर भी दोस्तों स्कोर्स काफी तगड़े आए हैं कंपेयर करें प्रीवियस जनरेशन से। फाइनल दोस्तों किया है Geekbench, यहाँ पर भी दोस्तों आप सिंगल कोर स्कोर देख सकते हो, इट इज ओवर 3000, और मल्टी कोर स्कोर भी काफी तगड़ा आया है। सो दोस्तों ये जो हमारा बेंचमार्किंग का टेस्ट है, इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट जो है टेक्निकली दिखा है, दो इट इज फोकस एट इफिशियंसी, ऑन पेपर आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखने वाले हैं। गाइस ये ऑन पेपर की बात हो गई, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्रूवमेंट दिखते हैं, तो ये आपको Adobe के प्रीमियर प्रो टेस्ट के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों 4K फाइल ली है मैंने, इट इज वेरी ह्यूज फाइल, ओवर 100 GB का इसका रॉ डेटा है, फुल फ्रेम में ये रन हो रहा है और काफी स्मूथली रन हो रहा है। ओवरऑल आप फाइल देख सकते हो आफ्टर एडिटिंग काफी बड़ी है, काफी सारे इसमें की फ्रेम्स टाइम फ्रेम्स है,
एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 4GB की ये फाइल साइज है और एक्सपोर्ट टाइम आप देख सकते हो इट इज जस्ट अंडर 3 मिनट्स। सो गाइस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में भी आपको बेंचमार्किंग की जो रिजल्ट्स आए थे वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। एट दी एंड गाइस मैंने किया है गेमिंग टेस्ट, प्रॉपरली फुल फ्लेज्ड पीसी है तो गेमिंग भी तगड़ी करने वाला हूँ। सबसे पहला टेस्ट है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक का, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ग्राफिक सेटिंग्स है एक्सट्रीम पे हाईएस्ट पॉसिबल पे सेट कर चुका हूँ मैं, और आप देख सकते हो जो आपको एवरेज FPS निकल के इसमें से आ रहे हैं ओवर 100 है और कहीं पर भी स्टैटरिंग नहीं है, लैग नहीं है, गेम प्ले काफी स्मूथली रन हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने खेला है इसमें Forza Horizon 5 जो कि अगेन काफी तगड़ा AAA लिस्टेड गेम है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो गाइस हाईएस्ट पॉसिबल एक्सट्रीम पे ग्राफिक्स सेटिंग्स मैंने रखे हैं और यहाँ पर दोस्तों एवरेजली मुझे 60 FPS के स्टेडी फ्रेम रेट्स निकल के मिल रहे हैं। फाइनली दोस्तों खेला है मैंने स्पाइडरमैन का माइल मोरल्स एडिशन, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हो एवरीथिंग इज सेट अप एट द हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग और गाइस यहां पर भी आप देख सकते हो काफी स्मूथ हमें गेम प्ले मिल रहा है 150 से 200 की रेंज में इसमें से भी परफॉर्मेंस मिल रही है। सो गाइस कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस हमें मिलती है इंटेल की लेटेस्ट फ्लैगशिप कोर अल्ट्रा 9285K प्रोसेसर में से, आपको एडिटिंग या फिर प्रोडक्टिविटी में तो काफी टॉप नॉच मिलता ही है रिजल्ट, प्लस गाइस गेमिंग भी आप करते हो आपका सेटअप प्रॉपरली बिल्ड है तो आपको काफी तगड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इसमें से। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।